अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ, जिसकी मुझे बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सिंपल शर्ट की कटिंग करेंगे आज। तो ये हमारे पास मेजरमेंट लिखी हुई है और हमारे शोल्डर की जो टोटल चौड़ाई है वो है सिर्फ 15 इंच है, तो उसका हाफ हम लेंगे 7.5 इंच। 15 इंच को हम इंची टेप पे डबल करेंगे तो फिर हमारा हाफ आ जाएगा 7.5 इंच। इस तरह से हम लोगों ने अपनी शोल्डर की चौड़ाई ले लेनी है और लेंथ में मैं लूँगी 8 इंच। ये बड़ी शर्ट है, थोड़ी हेल्दी है, तो उसके लिए हमें शोल्डर भी थोड़े से बड़े रखने होते हैं। तो इसलिए मैंने इसके शोल्डर की जो लेंथ ली है वो ली है तकरीबन 8 इंच, ठीक है। और यहाँ से हमने इसकी चौड़ाई जो है ऊपर से लेनी है 7.5, और नीचे से भी हमने 7.5 इंच पे पूरा चकोर बॉक्स बनाना है। नीचे की जो हम चौड़ाई लेंगे वो हम अपने चेस्ट के हिसाब से लेंगे, तो हमारे जो चेस्ट की चौड़ाई है वो है तकरीबन 22 इंच है। तो हम इंची टेप को डबल करेंगे और डबल करने के बाद हम अपने शोल्डर चेस्ट की चौड़ाई ले लेंगे। तो हमें यहाँ पर 22.5 इंच का हाफ लेंगे 11.5 इंच। 11.5 इंच पे हमने इस तरह से एक मार्क लगा देना है। एक मार्क हम यहाँ लगा देंगे, फिर हमने अपने वेस्ट के लिए लगाना है। हमारे वेस्ट की चौड़ाई है 21 इंच, ठीक है। 21 इंच का हम इसी तरह इंची टेप को डबल करेंगे और अपना हाफ ले लेंगे तो आएगा 10.5 इंच, ठीक है। अब हमने इसकी जो चौड़ाई पे हमने मार्क करना है, उसके लिए हमने ऊपर से पहले हमने जितनी जहाँ पे वेस्ट रखनी है पहले हम वहाँ मार्क करेंगे, ठीक है। तो कोई जैसे दुबला पतला होता है तो उसके लिए हम 14.5 इंच भी रखते हैं, लेकिन कोई हेल्दी होगा तो आपने 15 इंचेस रखना है। 15 इंच पे हम एक मार्क लगा लेंगे। फिर हमने हिप के लिए एक मार्क लगाना है, तो हिप की जो हम ऊपर से लेके नीचे तक जहाँ हमने हिप के लिए खोलना होता है उसके लिए हमें लूँगी 21 इंच, ठीक है। 21 इंच के हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के निशान लगा रही हूँ ताकि हिप की मेजरमेंट के लिए हमें इजी हो। इसी तरह वेस्ट के लिए भी थोड़ा सा निशान मैं दोबारा से आगे की तरफ करके लगा रही हूँ। अब हमने यहाँ से जो 10.5 इंच नाप लिया था हमने उसके हिसाब से यहाँ पर मार्क करना है, ठीक है। अब हमारे हिप की जो चौड़ाई है वो है 24 इंच। 24 इंच का हम हाफ कर लेंगे तो 12 इंच आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए 24 इंच का हाफ 12 इंच है। 12 इंच पे हम एक मार्क लगा लेंगे। जितनी भी आपकी चौड़ाई हो आपने इंची टेप को डबल करके इस तरह से हाफ ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरह से अपने तीनों मार्क लगा लिए हैं, चेस्ट का, वेस्ट का और हिप का। अब हम यहाँ से इंची टेप से भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आप लोग इस वाले स्केल से ड्रॉ करेंगे तो इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। यहाँ से जो इसका कर्व है ये हमने स्टार्ट से रखना है और जो हमारे वेस्ट का मार्क है वहाँ तक हमने इसको कर्व सा बना लेना है। अब नीचे से भी हम इसको इसी स्केल से निशान लगा लेंगे। इस तरह से अगर आप लोग लगाएंगे तो इसकी फिटिंग की शेप बहुत अच्छी आती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों की शर्ट कैसी कटिंग हुई। अब हमने अपने शर्ट का राउंड बनाना है। ये मैं आगे की गहराई के लिए जितना हमने शोल्डर का मार्क लगाया था उससे 1 इंच पीछे हम एक मार्क लगाएंगे, जैसे मैंने लगाया बिल्कुल इसी तरह से। फिर स्टार्ट से हमने इसको यहाँ से कर्व शेप दे लेनी है। जो हमने मार्क किया था वहीं से हमने रख के और 1 इंच जहाँ पर मैंने नीचे मार्क किया है वहाँ तक मैं इसकी कर्व लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये इस तरह से कर्व लाइन ड्रॉ करने के बाद अब ये देखिए ये हमारा आगे वाली साइड है और जो बैक वाला निशान है वो थोड़ा सा हमने आगे करके लगाया था, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको एक राउंड बना लूँगी। ये राउंड हमारे बैक के लिए होगा, ये इस तरह से। बिल्कुल नीचे से शेप नहीं देनी, थोड़ी सी ऊपर से शेप देनी है। ये असल में जितना शोल्डर होता है हम उसके हिसाब से देते हैं। बड़े का होगा तो फिर उसके हिसाब से, छोटे का होता है तो नीचे से हल्का सा राउंड बनता है। ये भी मैंने बड़ा राउंड बनाया है क्योंकि ये आर्मोल बड़ा है। अब हम पीछे के आगे के लिए गहराई जो होती है उसके लिए मैं निशान लगाऊंगी। तो उसके लिए जो है सबसे पहले हमने इसकी लेंथ मेजर कर लेनी है, या ऊपर से 1/2 इंच छोड़ के नीचे तक, ठीक है। तो यहाँ से जितना भी हमारा आ रहा होगा हमने उसका, ये 7.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो उसका हमने हाफ़ करना है। हाफ़ करेंगे तो हमारा 1.25 इंच आएगा। नीचे वाली लाइन से मैं 1.25 इंच का मार्क लगा लूँगी यहाँ तक, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है
इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन हमने हाफ करके इसको ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब हमने ये जो मार्क लगाया है यहाँ से हमने अपना राउंड बनाना है। ऊपर की बिल्कुल शेप सही आएगी, आपने ऊपर से बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, जैसे वो आड़ा है वैसे ही कटेगा। सिर्फ जो हमने इसका हाफ किया है वहाँ से हमने एक राउंड बनाना है, ये हमारी आगे की गहराई के लिए हो जाएगा। ठीक है, बस ये सिंपल सी इसकी कटिंग होती है आर्म होल की, और जिससे बहुत अच्छी शेप आती है। ये हमारी आगे की साइड है और वो वाला हमारा पीछे का मार्क है, और ऊपर से जो है हमने हाफ इंच या हाफ इंच से भी कम हल्का सा कर्व कट कर लेना है, क्योंकि जब हम सिलाई भी लगाते हैं तो वो खुद ही हाफ इंच हो जाता है। ठीक है, तो मैंने पूरा हाफ नहीं लिया, हल्का सा बस मैं ऊपर से इसको कर्व शेप दे दूंगी। अब नीचे से हमने जितना भी हमारा हमने हिप के लिए 12 इंच का निशान लगाया था उसमें हम 1 इंच प्लस करके और साइड से नीचे का दामन का निशान लगाएंगे और फिर अपनी ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट इंच टेप रख के कट कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ हमने मार्क लगाया था उससे हमने 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के कट करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से एक कट लगाऊंगी छोटा सा, ये मुझे पता होगा कि मैंने यहाँ तक अपने चौक को खोलना है। ये हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है, मैं आपको स्लीव्स की कटिंग करना बताऊंगी। तो देखिए, स्लीव्स का कपड़ा जितना भी है हमने उसको 4 तह में डबल कर लेना है। अगर कपड़े की चौड़ाई कम हो तो फिर हमने पीछे जोड़ डालने के लिए गैप रखना होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पेस था तो मैंने ज्वाइन नहीं दिया, मैंने उसी में ही अपना आर्म होल कट कर लिया, सॉरी स्लीव्स कट कर ली। ये देखिए, जैसे मैं अभी कपड़ा सेट कर रही हूँ तो हम थोड़ा सा पीछे रख के सेट करेंगे ताकि फिर आगे हम ज्वाइन डाल लें, लेकिन अभी मैं इसको पूरा इक्वली सेट करूँगी। ये देखिए इस तरह से, ये हमने इस तरह से सेट कर लिया। अब मैं यहाँ से अपनी स्लीव्स के लिए चौड़ाई रखूँगी तो मैं स्लीव्स की चौड़ाई भी 8 इंच रखूँगी। ठीक है, ये जितनी शर्ट की लेंथ और जितनी शर्ट की स्लीव्स की चौड़ाई होती है वो आप नाप के भी रख सकते हैं कि कितनी चौड़ी है उसके हिसाब से। अब मैंने नीचे से अपनी शर्ट की स्लीव्स की लेंथ ले ली कि मुझे कितनी लेंथ चाहिए, तो मैंने एक मार्क वहाँ लगा लिया। अब मैं ऊपर से लेंथ कट कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से मैंने अपनी लेंथ कट कर ली है। मैंने खुली साइड अपनी तरफ रखी है और बंद साइड जो है दूसरी तरफ रखी है। अब मैं यहाँ से अपने 8 इंच पे मार्क कर लूँगी और ऊपर से हमने 3.5, 4 या 4.5 इंच पे निशान लगा लेना है। फिर उसके बाद मैं अपना आर्म होल रख के चेक करूँगी कि कहाँ वो ठीक आ रहा है। देखिए, मैंने 3.5 पर 4 पर मार्क किया है। अब मैं अपनी शर्ट का आर्म होल रख के चेक करूँगी कि कहाँ तक मुझे शोल्डर रखना है। ठीक है, स्लीव्स का, तो फिर मैं उसके हिसाब से रखूँगी। ये देखिए, मैं इस तरह से इसको एक दफ़ा नाप लेती हूँ, आप लोग भी अगर इस तरह नाप लेंगे तो आपको इजी रहेगा बनाने में। ये देखिए, यहाँ तक मेरा चेस्ट का निशान आ रहा था तो यहाँ मैंने इसकी स्लीव्स का मार्क लगा लिया है। अब मैं इसी पे अपना राउंड ड्रॉ करूँगी। ऊपर से हमने तकरीबन 2 से 2.5 इंच बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, वहाँ से हमने डायरेक्ट शेप नहीं देनी, सिर्फ हमने 2 या 2.5 इंच के बाद ही अपना राउंड बनाना है। ये देखिए, बस हल्का सा इस तरह से राउंड बनाना है और नीचे से भी गोल सा कट कर दूँगी इसको मैं हल्का सा। ये इस तरह से हमारा शोल्डर कट हो गया है। अब बहुत सिंपल ही है, मैं इसकी गहराई कर दूँगी, हल्का सा आगे से शेप देनी है। यहाँ से मैंने इसकी जो सेंटर होता है वो 6.5 इंच पे रखा है और नीचे से 7 इंच पे, क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ी वाली अम्ब्रेला नहीं है, ये हल्का सा बस अम्ब्रेला शेप है, बाकी ये अम्ब्रेला नहीं है। ये इस तरह से सिंपल हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। अब मैंने इसकी हल्की सी गहराई करनी है आगे की स्लीव्स में। स्लीव्स को मैं टर्न करूँगी अपनी तरफ से, बंद साइड रखूँगी और फिर इस तरह से ये मैंने जो पीछे मार्क लगाया था यहाँ तक मैंने फिटिंग करनी है, वहाँ तक मैंने आगे भी मार्क लगा लिया। मैं इसकी गहराई कर दूँगी सिंपल, बस 2 या 2.5 इंच आपने ऊपर से छोड़ना है और फिर हल्का सा कर्व सीजर में इस तरह से दे देना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है इसकी गहराई, इस तरह से आप लोगों ने कर लेनी है। देखिए, सिर्फ इतना सा ही फैब्रिक कट किया है मैंने, यहाँ से इस तरह से शेप दी है, हल्का सा राउंड शेप है ये। इस तरफ भी मैं अपनी स्लीव्स का मार्क कर लूँगी कि मुझे कितनी कितनी फिटिंग करनी है, तो उससे जब स्टिचिंग करते हैं तो उस वक्त हमें इजी रहता है।
और स्लीव की जो शर्ट की जो गहराई थी वो मैं करना भूल गई थी, तो वो मैं अभी करूँगी। ये देखिए स्लीव्स की मैंने गहराई नहीं की थी, ये एक दफ़ा आप लोग और नाप के देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल इक्वल आ रहा है। इस तरह से आप लोग अपना शोल्डर कट करेंगे तो आप लोगों का भी बिल्कुल ठीक आएगा। ये अब मैं इसकी शर्ट की गहराई करूँगी, पीछे के दो पीस हटा दूँगी, सिर्फ ऊपर वाले दो पीस की हमने गहराई करनी है। ये इस तरह से देखिए ऊपर से हाफ इंच छोड़ के और बाकी ये मैं नीचे का राउंड बना लूँगी। ये देखिए और ऊपर से भी हल्का सा इसको कर्व शेप देनी है, हाफ इंच भी नहीं, बहुत कम। ठीक है, बस ये हमारी सिंपल शर्ट की कटिंग हो गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप लोगों ने शर्ट की कपड़ा किस तरह से सेट करते हैं ये देखना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।